डियर स्टूडेंट, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और जैसा कि आपको पता है, बीए फर्स्ट ईयर के अभी लेसन चल रहे हैं और मेरे द्वारा पॉलिटिकल साइंस में बीए फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं। और अगर आपको कोई लेसन समझ में नहीं आया है तो आप कॉलेज में आके संपर्क कर सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आया, तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा। और ऐसा कोई थोड़ा सा डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और आज हम जैसे कि बी फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के जो लेसन पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद थोड़ा सा एक ये पता होना चाहिए सबको कि हमारे जो बी फर्स्ट ईयर का अकॉर्डिंग टू GNVU हमारा सिलेबस क्या है, यानी हमारे सिलेबस में कौन कौन से लेसन हैं वो आएंगे, यानी जो सिलेबस है वो कहाँ तक है, तो ये पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप जिस भी तैयारी करते हो, जिस भी फील्ड की या जिस भी एग्ज़ाम की, तो उसके लिए आपके सामने एक रण चित्र होना चाहिए। यानी कहने का मतलब एक पूरा सेटअप होना चाहिए कि मुझे ये जो अध्याय है, ये जो सोर्स है जिसको हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने इस स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं, ठीक है ना। एक बार इस स्क्रीन को पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए और फिर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि इसको इसके एक बार पूरी स्क्रीन पे एकदम सही दिख जाए ना बोर्ड के, हाँ यहाँ पे जो लिखा हुआ एक अक्षर बिल्कुल सही दिख रहा है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्योंकि ये आपका बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है। और जैसे कि मैंने आपको लिखा है अकॉर्डिंग टू GNVU यानी जयनारायण जो है अपने जोधपुर जयनारायण विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तो उस से संबंधित जो भी कॉलेज हैं उन कॉलेज में ये जी सिलेबस है बीए फर्स्ट ईयर का, और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू GNVU जोधपुर फर्स्ट पेपर, जो फर्स्ट पेपर है राजनीतिक सिद्धांत, तो उनके सब बारे में है। पहला पेपर है राजनीतिक सिद्धांत, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप देख रहे होंगे फर्स्ट इकाई पहली यूनिट, ठीक है ना। और जो पहली यूनिट है इसमें जो हमने इस वीडियो इस लेसन या कह सकते हैं ये जो चैनल है अपना, इस चैनल पे अपने फर्स्ट यूनिट तो पूरी हो गई है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से फर्स्ट यूनिट के अंदर लेसन है। तो देखिए राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, ठीक है ना, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और प्रकृति और क्षेत्र, इसके बाद ये भी इसमें है, इसके बाद है अध्ययन पद्धति। अब अध्ययन पद्धति कौन कौन सी है, एक तो है व्यवहारवाद, एक है उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है ना। तो हमने अध्ययन पद्धतियाँ पढ़ी है, अलग अलग बहुत सारी अध्ययन पद्धतियाँ हैं जो हमने पढ़ी हैं। और फिर इसके बाद हमने पढ़ा था विशेष रूप से व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में, और वो भी परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में। ये जो पहली जो यूनिट है वो हमने पढ़ी है, और ये बी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट यूनिट का ये जो है आपके अध्याय में है, आपको ये पढ़ना है। दूसरा यहाँ पे देखिए यूनिट टू, ठीक है ना, इकाई दो, जिसमें आपके जो कह सकते लेसन है वो है राज्य उसकी प्रकृति, राज्य के अंदर उसकी प्रकृति यानी कैसा नेचर है, राज्य का आंगिक सिद्धांत, राज्य के संदर्भ में अलग अलग जो सिद्धांत हुए हैं उन सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा है। और राज्य के कार्य क्या है, ऐच्छिक अनैच्छिक, जो अनिवार्य कार्य हैं और कुछ ऐच्छिक कार्य हैं, तो उनके बारे में हमने इस चैनल पर पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, यानी लोक कल्याणकारी राज्य कैसा हो, तो उसके बारे में जो विचार हैं वह आपके सिलेबस में है, लोक कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा। और इसके बाद इसी यूनिट में राज्यों का वर्गीकरण है कि राज्य किस प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना, लोकतंत्रात्मक हो सकते हैं, तानाशाह हो सकते हैं, अधिनायक तंत्रवादी हो सकते हैं, यानी राज्य का स्वरूप क्या है, प्रकार किस तरह के राज्य हैं, तो ये सेकेंड यूनिट के लेसन है, ठीक है ना। तो इसके बारे में अरस्तु का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे कि अरस्तु ने राज्यों का जो वर्गीकरण है वो किस रूप में दिया है, यानी अरस्तु ने राज्यों के क्या क्या प्रकार बताए हैं। और फिर इसके बाद हम आधुनिक वर्गीकरण भी करेंगे, राज्यों का आधुनिक वर्गीकरण, यानी आधुनिक समय में जो विद्वान है उन्होंने राज्य के कौन कौन से स्वरूप बताए हैं। तो ये सेकेंड जो यूनिट है इसमें जो ये लेसन है जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये यहाँ पे इस यूट्यूब पे उपलब्ध है, ठीक है ना, इस चैनल पे उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि कौन सा मेरा जो टॉपिक है और मुझे पढ़ना है, तो आपको वो अकॉर्डिंग टू जैसे नाम है वो मिल जाएगा, कि इस नाम से सर्च करोगे इसी चैनल पे और तो मिल जाएगा। और इसके अलग अलग पार्ट है, हर लेसन के 2-3 पार्ट होंगे, क्योंकि लेसन बड़ा है तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में समझना ज़रूरी हो जाता है। फिर है इकाई 3, ठीक है ना, इकाई यानी यूनिट 3 बीए फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट पेपर है उसकी इकाई यानी यूनिट 3 के अंदर कौन कौन से सिलेबस जो लेसन है वो आपके आएंगे। तो देखिए यूनिट 3 के अंदर संप्रभुता की अवधारणा, संप्रभुता क्या है उसके बारे में क्या विचार है, जो वो अवधारणा
वो हमने यहाँ पे इस वीडियो में यानी कह सकते हैं इस चैनल पे अपने वीडियो उपलब्ध हैं, देख सकते हैं। संप्रभुता की अवधारणा और इसके आवश्यक तत्व, इसके लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं संप्रभुता के लिए और संप्रभुता के प्रकार, ठीक है ना, ये इस प्रश्न फर्स्ट पेपर में है। और साथ ही साथ फिर आगे देखना है कि ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत, ऑस्टिन ने विशेष रूप से संप्रभुता के बारे में सिद्धांत दिया है, तो ये जो संप्रभुता के बारे में ऑस्टिन के जो विचार है सिद्धांत है वह भी इसमें प्रथम आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें ही है ये शामिल। फिर इसके बाद स्वतंत्रता समानता और न्याय की अवधारणा, ये भी है सिलेबस में। और साथ ही साथ अधिकार अर्थ व सिद्धांत, अधिकार के साथ कर्तव्य का किस तरह संबंध है, तो ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये जो तीसरी इकाई है, अब इस तीसरी इकाई में आपके ये जो मैंने यहाँ पे आपने जो बोर्ड पे लिखे हैं वो आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर में ये जो आपके स्क्रीन के सामने जो बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं ये आपके फर्स्ट पेपर में इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, तो आपको याद रखने और आपको पता होना चाहिए कि आपका फर्स्ट पेपर में कौन कौन से सिलेबस से प्रश्न आएंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं वो आपके यूनिट हैं, ठीक है ना, और इसी यूनिट में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको। तो इसी तरह इकाई 4 यानी स्वाति इकाई भी फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र है उसके उस केंद्र के जो प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, तो आपके ये पता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से जो लेसन है वो समझने हैं। तो स्वाति इकाई में देखिए आधारभूत अवधारणाएं, यानी आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैं बता रहा हूँ तो इसके आधे से ज़्यादा जो चैप्टर की वीडियो हैं इस यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर ये प्रश्न पत्र हैं, ठीक है ना, तो इसके आप समझ लीजिए कि ये जो लेसन है बहुत सारे लेसन होंगे, तो हम सर इसके लिए नोट्स कहाँ से लेंगे या कैसे समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इस चैनल पर इससे संबंधित वीडियो हैं वो अपलोड हो रहे हैं, ठीक है ना। यानी आपको जो ध्यान रखना है कि जितने भी इस मैं बता रहा हूँ इस फर्स्ट पेपर में जो जो प्रश्न हैं या जो जो कह सकते हैं अध्याय हैं उनकी वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको देखना है और देख के आप उससे संबंधित क्वेश्चन है वो यानी आंसर है वो तैयार कर सकते हैं। तो देखिए 4 यूनिट में आधारभूत अवधारणाएं, आधारभूत अवधारणा कौन कौन सी है, शक्ति सत्ता, तो इसके बारे में हमारे जो लेसन है वो ऑलरेडी बने हुए हैं। राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास और राजनीतिक समाजीकरण, तो आपको ध्यान रखना है कि अब तक शक्ति और सत्ता यानी यहाँ तक अपने जो कह सकते हैं BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के जो वीडियो हैं वो अपलोड हैं और आपको इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद के जैसे कि रहे कि 3-4 और जो लेसन रहे तो वो जल्द ही आपके इस चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे यानी आपको मिल जाएंगे, तो आप इसके लिए अच्छे से तैयारी करें। इसलिए आपको ये बिल्कुल अच्छे से और स्पष्ट पता होना चाहिए कि हमारे फर्स्ट पेपर में कौन कौन से लेसन हैं जिससे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। लास्ट है फर्स्ट पेपर का यूनिट 5। अब यूनिट 5 के अंदर कौन कौन से चैप्टर है, ठीक है ना, यूनिट 5 के अंदर आपको ध्यान रखना है आपके एग्जाम में आने वाले लोकतंत्र की अवधारणा के अंदर, लोकतंत्र की अवधारणा यानी विचार क्या है, किस तरह का ये लोकतंत्र की विचारात्मक शैली है, तो उसके अर्थ, लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र के गुण और दोष के बारे में आएगा, ठीक है ना, यानी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपके सिलेबस में फर्स्ट पेपर में है। और मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, ये जरूरी है आप ध्यान रखें, ये मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा, तो आपको इसको प्रिपेयर करना तैयार रखना है क्योंकि मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत रिमाइंड होता रहता है। आगे देखिए द्विसदनीय विधानमंडल, ठीक है ना, विधानमंडल जैसे हम एक विधानसभा और एक विधान परिषद होती है इस तरह से अलग, जैसे अपने राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो लोकसभा और राज्यसभा जैसे होती है उसी तरह द्विसदनीय विधानमंडल कहलाता है। तो यहाँ पे अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की अवधारणा है कि अल्पसंख्यक जो प्रतिनिधित्व है उनके प्रति क्या अवधारणा, मतलब किस तरह से उनको प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, उनके संदर्भ में क्या विचार है वो, और इसके विभिन्न तरीके कौन कौन से तरीके हैं, साथ ही साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है क्या और इसके गुण और दोष, तो इनके बारे में यानी ये आपको समझना है कि ये जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये BA पॉलिटिकल BA फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर जिसके अंदर कौन कौन से आपके कह सकते हैं अध्याय यानी पाठ है वो आएंगे या उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, तो वो ये हैं। और आपको पहले कह रहा हूँ कि इसको जैसे आपकी जो स्क्रीन एकदम सही हो जाए पूरी तरह से दिख रही हो तब आपको स्क्रीनशॉट कर लें ताकि आपको पता रहे, ठीक है ना। और इसके बाद इसका जो सेकेंड पेपर है क्योंकि आपके BA फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर होंगे, ठीक है ना, 2 एग्जाम होंगे, तो पहला पेपर तो मैंने यहाँ पे आपको ये बताया। नेक्स्ट पेपर आप देखिए जो मैं बता रहा हूँ अभी
हाँ तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको ये तो बता दिया है कि फर्स्ट पेपर, ठीक है ना, अपने बीए फर्स्ट ईयर के जो अकॉर्डिंग टू जेएनवीयू हैं, तो फर्स्ट पेपर के अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है ना, यानी कौन से ऐसे लेसन है जो प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर हैं और उससे प्रश्न आपके आएंगे, तो ये बता दिया है। तो अब देखिए, अब आपके सामने एक बार इसको सही से विजिबल हो जाए तब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ तो अब अगर आपने ये सही से विजिबल हो गया है और स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अब मैं आता हूँ अपने सेकंड पेपर को समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट नहीं है तो वापस ले लीजिए। तो देखिए, अपने अकॉर्डिंग टू जेएनवीयू बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस का ये सेकंड पेपर है और सेकंड पेपर का नाम है भारतीय शासन व राजनीति, भारतीय शासन व राजनीति। क्योंकि इससे पहला जो फर्स्ट पेपर है, वो फर्स्ट पेपर को मैंने बता दिया कि जो आपके फर्स्ट पेपर में कौन कौन से चैप्टर हैं, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट पेपर, अगर आपको पूछे कि फर्स्ट पेपर का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर में मैंने पहले बताया कि राजनीतिक सिद्धांत, और सेकंड पेपर है भारतीय शासन व राजनीति, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए, आपके टोटल 5 इकाइयाँ हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इकाई, और 5 इकाइयों में कौन कौन से टॉपिक है, यानी किस इकाई से आपके प्रश्न है वो मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि ये पाँचों इकाई पाँचों से ही आपके प्रश्न आएंगे, टोटल प्रश्न यहाँ पे आपके पाँचों इकाई से आएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहली इकाई में, सेकंड पेपर की पहली इकाई कौन सी है, तो देखना है संविधान का, संविधान निर्माती सभा, यानी संविधान निर्माती जो सभा है उसके बारे में, और भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, निर्माती सभा और भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये आपके सिलेबस में है। प्रमुख मुद्दे, ठीक है ना, व दृष्टिकोण, प्रमुख मुद्दे क्या हुए, उसमें कौन कौन से मुद्दे उठे और उसका क्या दृष्टिकोण रहा, साथ ही साथ फिर आपको समझना है कि उद्देशिका, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, उद्देशिका हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वो क्या है, उसमें क्या सारांश है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, और ये आपके टॉपिक में है, सेकंड पेपर में ये आएगा। तो इसके बाद फिर मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, मौलिक अधिकार के बाद फिर कर्तव्य के प्रतिनिधि, कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, तो ये आपके सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट है, जिसमें संविधान और संविधान से जुड़े हुए पहलू और मूल अधिकार, कर्तव्य है, नीति तत्व है, ये सब आएंगे आपके फर्स्ट इकाई में। फिर सेकंड पेपर की सेकंड इकाई, ठीक है ना, दूसरी इकाई है संघीय व्यवस्था, संघीय कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका के बारे में आएगा कि संघीय कार्यपालिका में क्या महत्वता होती है, यानी किस तरह से हम समझते हैं संघीय, ये संघीय कार्यपालिका है, और फिर इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, और इनके शक्ति, कार्य व परस्पर संबंध क्या है इनके बीच, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो ये आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। आपका सेकंड पेपर बीए फर्स्ट ईयर का, तो उसके अंदर संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है ना, और इनके शक्ति, कार्य और इनके संबंध के बारे में पढ़ेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इस सेकंड पेपर में है, और इसके फिलहाल अभी वीडियो उपलब्ध नहीं है, और जैसे ही हम कंटिन्यू लेसन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं तो फर्स्ट यूनिट हो जाएगी, फिर सेकंड यूनिट के जो लेसन है वो बनेंगे, तो आप इस पर वीडियो आनी है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी ये वीडियो इस लेसन के बने और तुरंत ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे देखिए इकाई 3, यानी तीसरी इकाई। अब तीसरी इकाई में आपको ध्यान रखना है आपका सेकंड पेपर और सेकंड पेपर में तीसरी इकाई है वो संसद है, क्या है, संसद के बारे में आपके प्रश्न आएंगे तीसरी इकाई से। अब संसद के अंदर जैसे आपको पता है संसद के अंदर क्या होता है, तो देख लीजिए लोकसभा, राज्यसभा और इन दोनों के गठन के बारे में, यानी इन दोनों का गठन कैसे होता है, किस तरह से ये बनती है, इनकी शक्तियाँ क्या हैं, ठीक है ना, गठन और शक्तियों के बारे में, संसद की, लोकसभा और राज्यसभा के गठन और शक्तियों के बारे में है, वो आपके सेकंड पेपर से प्रश्न आएंगे। फिर उच्चतम न्यायालय है उसके संदर्भ में पूछेंगे, यानी उसका गठन कैसे हो रहा है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं और न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, तो ये सेकंड पेपर में है, ठीक है ना, ये सेकंड पेपर में आपके इससे रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे आपको। एवं न्यायिक सक्रियता, और फिर ध्यान रखना है कि अपने उच्चतम न्यायालय के जब पढ़ रहे हैं तो इसमें ये भी पूछा जाए कि न्यायिक सक्रियता क्या है, तो आपको ये मैं जैसे ही लेसन आएगा जिस पर हम पढ़ेंगे कि न्याय, उच्चतम न्यायालय, उसके शक्ति या पुनरावलोकन के बारे में, तब मैं आपको पूरे स्पष्ट बता दूंगा कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, न्यायिक सक्रियता क्या है, और ये जो मतलब जिस तरह से मैं पूरा पैटर्न आपको बता रहा हूँ ये सेकंड पेपर का, ये पूरा का पूरा आपको इस चैनल पे अकॉर्डिंग टू पूरे समझाते हुए आपको वीडियो है वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि निर्वाचन आयोग व तथा चुनाव सुधार, निर्वाचन आयोग है उसकी क्या भूमिका होती है और उसके द्वारा चुनाव के क्षेत्र में क्या सुधार किए जाते हैं, ये भी आपके सेकंड पेपर में है।
फिर देखना है इकाई चौथी, इकाई जो यूनिट फोर है उस वो है संघवाची रिलेट, ठीक है ना, यानी संघवाद है। अब संघवाद में क्या होता है, भारतीय संघ में राज्यों की क्या स्थिति है, संघवाद का मतलब राज्य, उसके एक तो राष्ट्र होता है उसके जो राज्य होते हैं उनको मिला के संघवाद है। तो संघवाद भारतीय संघ में राज्यों की स्थिति क्या है, ठीक है ना, और केंद्र राज्य इनके बीच में जो संबंध है वो किस तरह से है, क्योंकि संघवाद में केंद्र और राज्य के बीच में गतिविधियों को दर्शाया जाता है, उनके बीच संबंध को, उनकी शक्ति कार्य प्रणालियों को ही यह संघवाद के रूप में समझते हैं। तो ध्यान रखना है कि आपकी स्वाति जो यूनिट है वो संघवाद से संबंधित है, जिसमें केंद्रीय राज्य संबंध, नई प्रवृत्तियाँ और विकास के बारे में, ठीक है ना, और ये आपके सिलेबस में है। और स्वायत्तता की मांग, किस तरह से राज्य है वो स्वायत्तता की मांग करते संघवाद से, तो ये भी इसमें पढ़ेंगे हम। और इसके साथ ही संघवाद में ही राज्यपाल की शक्ति, संघीय व्यवस्थापिका में उसकी भूमिका, ठीक है ना, तो ये है वो आपकी चौथी यूनिट है, चौथी यूनिट में ये आपके सिलेबस में है सेकंड पेपर के। तो आपको ध्यान रखना और इसकी पूरी तरह से अच्छे से तैयारी रखनी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपको देखना है इकाई पाँचवीं। अब इकाई पाँचवीं के अंदर, जिस इकाई पाँचवीं में बी ए फर्स्ट ईयर की जो इकाई पाँचवीं है, इस इकाई पाँचवीं में कौन कौन से आपके लेसन है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो सेकंड पेपर है उसमें ये जो भी मैंने यहाँ पे जो नोट किए इन यूनिट में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे सिलेबस लिखा है वो अकॉर्डिंग टू जैन व्यू, ठीक है ना, जयर नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, उसका जो दिया गया जो सिलेबस है, यानी बीए फर्स्ट ईयर के लिए कौन कौन से चैप्टर है और उससे प्रश्न आएंगे, तो वही मैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे नोट किया है, ताकि आपको इसको समझ लें। और ध्यान रहे कि आपका जो सिलेबस है वो कौन सा सिलेबस है, यानी कौन कौन से चैप्टर है उसमें, उससे किस तरह के प्रश्न बनेंगे, तो किस तरह के बनेंगे वो तो हम जैसी वीडियो जिस भी चैप्टर के ऊपर वीडियो आएगा उसके संदर्भ में हम आपको बता देंगे, और फिर ये भी बताएंगे इस लेसन के अंतर्गत क्या इंपॉर्टेंट है और आपको क्या समझना है, ठीक है। तो देखिए अब इसके सेकंड पेपर, ठीक है ना, अब ये सेकंड पेपर है भारतीय शासन व राजनीति, तो इसकी पांचवी जो यूनिट है, ठीक है ना, पांचवी यूनिट में क्या क्या है तो देखना है, भारतीय संसदीय व्यवस्था के बारे में, ठीक है ना, पांचवी यूनिट है वो, यानी इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो भारतीय संसदीय व्यवस्था के बारे में है। तो इसमें पहला है कि भारतीय संसदीय व्यवस्था को पढ़ने के बाद इसमें बहुदलीय व्यवस्था क्या है, किस तरह से ये व्यवस्था है और भारत में इसका क्या स्तर है, ठीक है ना, किस तरह के मुकाम है, किस तरह की इसकी व्यवस्था है वो देखना है। फिर क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं, बहुदल के साथ क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं और गठबंधन सरकार है, ठीक है ना, क्योंकि जब संसदीय व्यवस्था है तो बहुत एक से ज़्यादा दल होंगे और कुछ क्षेत्रीय दल भी होंगे, और जब ऐसा होता है तो ये गठबंधन की सरकार बनना एक तरह से संभावित हो जाता है। तो हम फिर ये भारतीय संसदीय व्यवस्था में ये पढ़ेंगे कि गठबंधन सरकार क्या होती है, किस तरह से कार्य करती है, ठीक है ना, और इसके फीचर्स क्या हैं, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे, ऐसी कमियाँ क्या हैं। इसके बाद राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति में किस वजह से जो अनैतिक गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है ना, और वे जो अनैतिक गतिविधियाँ जो राजनीति में होती है उसको हम राजनीतिक अपराधीकरण के अंतर्गत मानते हैं। तो वो यानी राजनीतिक अपराधीकरण के संदर्भ में आपके प्रश्न है जो आपके सेकंड पेपर में आएंगे, ठीक है ना, फर्स्ट पेपर में ये नहीं आएगा, आपके सेकंड पेपर में जब भी आएंगे राजनीतिक अपराधीकरण या कह दीजिए गठबंधन सरकार, तो सेकंड पेपर से प्रश्न है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा फर्स्ट पेपर है उसमें कौन कौन से सिलेबस यानी कौन कौन से पार्ट अध्याय हैं, और आपके सेकंड जो पेपर है, ठीक है ना, इन इसके अंदर कौन कौन से पार्ट यानी लेसन है जिसको आपको पढ़ना है, क्योंकि मैंने बता दिया जो पहला पेपर है वो राजनीतिक सिद्धांत है और दूसरा जो पेपर है, ठीक है ना, वो है भारतीय शासन व उसके राजनीति के बारे में। तो ये दो पेपर हैं, अब दो पेपर में आपको ये ध्यान बिल्कुल स्पष्ट से होना चाहिए कि आपके कौन कौन से लेसन है वो कौन से पेपर हैं और कौन से पेपर से प्रश्न आने वाले हैं। और हम पांचवी इकाई के बारे में बात कर रहे थे, तो राजनीति का अपराधीकरण ये सेकंड पेपर में है और इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, और साथ ही साथ राजनीति में जातिवाद, निर्धनता और उन्मूलन, राजनीति में जाति है वो किस तरह से प्रभावी भूमिका निभाती है, ठीक है ना, तो उसके संदर्भ में। और नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि निर्धनता और उन्मूलन, और इसके साथ ही जो राजनीति में जिस तरह से हम कहते हैं कि जातिवाद है, अपराधीकरण है, निर्धनता है, तो इसको किस तरह से राजनीति से दूर किया जाए, ठीक है ना, तो ये जो है वो आपके बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस अकॉर्डिंग टू जेएनवीयू सिलेबस में आपके सेकंड पेपर में ये है, ठीक है ना, तो ये जो अध्याय है आपके सेकंड पेपर में आपको ध्यान रखना है। और आपको विशेष और फिर से बता दूँ कि ये जो लेसन आप कह सकते हैं जो यूट्यूब का चैनल है, इसमें अलग अलग अध्यापकों के द्वारा बी फर्स्ट ईयर के जो लेसन हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। तो अभी आपको ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि इसका जो अपने बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के जो फर्स्ट पेपर हैं राजनीति सिद्धांत, उसके तो आधे से अधिक हैं, यानी कह सकते वो उस पार्ट के जितने भी आपके लेसन आने वाले हैं उस लेसन के वीडियो बने हैं, अपलोड हैं, आप देख सकते हैं, और जल्द ही सेकेंड पार्ट के वीडियो हैं वो अपलोड हो जाएंगे। तो आपको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपडेट रहना है।
और तब तक अगर आपको इस सिलेबस से संबंधित कोई कन्फ्यूजन है, सर के कुछ समझ नहीं आया, तो आप कॉलेज में यहाँ के छात्र हैं और ये नज़दीक हैं, तो आप आके संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, हम आपको इसका ज़रूर आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका सिलेबस है उसके वीडियो हैं इस चैनल पे उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं और कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। तो अब ये मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, और आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।